31 अगस्त को विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आगमन होने जा रहा है और सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत भी विभिन्न स्थानों पर गणेश उत्सव समितियां इस आयोजन को आयोजित करेंगी, जिसे लेकर सुपेला थाना क्षेत्र परिसर में विभिन्न गणेश उत्सव समितियों की बैठक आहूत की गई। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना 31 अगस्त से प्रारंभ होने जा रही है। इसे लेकर के शहर भर के गणेश उत्सव समितियों ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, परंतु त्योहारों में श्रद्धालुओं और दर्शकों की उमड़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इसी के तहत सभी थाना क्षेत्रों में समितियों की बैठक आहूत की जा रही है, जिसमें समिति के सदस्यों को सुरक्षा से जुड़ी बारीकियां बताई जा रही हैं, जिससे त्योहार की खुशियों में कमी ना हो सके। ऐसी ही बैठक सुपेला थाना परिसर में भी आयोजित की गई, जिसमें सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश उत्सव मनाने वाले समितियों को विशेष तौर पर CCTV कैमरे लगवाने को कहा गया और समिति के सदस्यों के आई कार्ड बनवाने के साथ पार्किंग की उचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में समिति सदस्यों ने भी कुछ जानकारियां अपने सवालों के माध्यम से पुलिस प्रशासन से ली। इस बैठक में विशेष तौर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नासिर सिद्दीकी शामिल हुए, साथ में सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा एवं स्मृति नगर चौकी प्रभारी युवराज देशमुख भी शामिल हुए। बैठक में समिति के सदस्यों ने भी पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बातें कही और पुलिस द्वारा उठाए गए सुरक्षा के माध्यम से सभी उपायों को करने का आश्वासन दिया। मैं चौहान ग्रीनवैली पंडाल का प्रभारी हूं। वर्तमान में हमारे नगर CSP महोदय माननीय नसर सिद्दीकी जी व सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा जी ने हमें जो बातें बतलाई हैं, हम उन बातों को फॉलो करेंगे और उनके द्वारा कही गई सभी बातें बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी हैं। उन्होंने सिर्फ गणेश पंडाल को लेकर ही नहीं, हमारे परिवार की सुरक्षा और सभी चीज़ों को लेकर के बहुत सी बातें कही हैं, जिसमें सबसे प्रमुख बातें हमें जो समझ में आई, बिजली कटैया कोई भी उपयोग न करे, उससे कभी भी जान माल की हानि हो सकती है। सभी पंडालों में CCTV कैमरे लगे, जिससे वहाँ होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में और असामाजिक तत्वों के बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिल पाएगी। इन बातों की सहमति सभी पंडाल वालों ने हमने मिलकर थाना प्रभारी महोदय को और आदरणीय CSP महोदय को आश्वस्त किया है कि हम आपकी बातों से सहमत हैं और इन सभी चीज़ों की व्यवस्था हम करने की यथासंभव कोशिश करेंगे। मैं माननीय नसर सिद्दीकी जी को काफ़ी समय से जानता हूँ। वो अंबिकापुर नगर TI थे और उन्होंने हमारे अंबिकापुर नगर में काफ़ी व्यवस्थाएं की थी और वही अपेक्षाएं मैं भिलाई शहर के लिए माननीय नसर सिद्दीकी जी और दुर्गेश शर्मा जी से करता हूं और मुझे उम्मीद है कि अपने कही हुई बातों पे ये खरे उतरेंगे, क्योंकि इनकी बातें जो हैं वो आश्वासन नहीं कार्य रूप में आती हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। और इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि इनके द्वारा कही गई बातें हैं हम पंडाल वाले भी मानेंगे और हमारी बातें ये भी मानेंगे, ये मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है इनके प्रति। अभी आने वाले गणेश उत्सव को लेकर के सभी समितियों की मीटिंग आहूत की गई थी सुपेला थाना अंतर्गत और ऐसे हम लोग सभी थानों में अभी मीटिंग करा रहे हैं, इंटरेक्शन करा रहे हैं कि थाने और समितियों के बीच में समन्वय अच्छा स्थापित रहे। इस पर इन लोगों को सभी समितियों को अभी वॉलंटियर अपने यहाँ आईडी कार्ड के साथ में नियुक्त करने के लिए कहा गया है। साथ ही में जहाँ पर प्रतिमाएँ स्थापित हैं वहाँ पर रात में भी वॉलंटियर रहने के लिए, CCTV कैमरा लगाने के लिए और भी ख़ासतौर से जितने भी वॉलंटियर हैं उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन करा करके नियुक्त करने के लिए हिदायत दी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था पर बात हुई है, समिति पर बात हुई है, उनको सुरक्षा के संदर्भ में कुछ उनकी क्वेरीज थी, कुछ तालाब के बारे में विसर्जन की गोताखोर वगैरह के लिए तमाम चीज़ों का समस्याओं का निवारण किया जाने का इस समिति के माध्यम से इस मीटिंग के माध्यम से प्रयास किया। विसर्जन का गणेश स्थापित ना दो ही चीज़ रहती है, गणेश चतुर्थी के लिए मूर्ति स्थापित होती है, दूसरा विसर्जन के लिए। विसर्जन के लिए मार्ग निर्धारित करने के लिए इनको पूर्व में ही आने में सूचित करने के लिए कहा गया है, ताकि हम उनके लिए ट्रैफिक व्यवस्था लगा सकें और तालाबों में गोताखोर और लाइट की व्यवस्था कर सकें। ये मीटिंग इसीलिए आहूत की गई थी और इसको हम लोग के पास में जब भी इनके आवेदन आएंगे तो उसकी पूर्व तैयारी कर ली जाएगी प्रशासन के। 2 वर्ष के बाद यह मौका आया है कि सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव का आयोजन शहर भर में जगह जगह किया जा रहा है।
इसे देखते हुए दर्शकों और श्रद्धालुओं की भीड़ आना लाजमी है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन और गणेश उत्सव समितियों द्वारा मिलकर ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जिससे इस त्योहार का भरपूर आनंद उठाया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।